नर्मदा के पवित्र तट पर सूबे के मुखिया शिवराज की घोषणा का आज रीवा जिले में किया गया। श्री गणेश लाडली बहन योजना का लाभ लेने रीवा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगी महिलाओं की कतार। बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नर्मदा जयंती के अवसर पर लाडली बहना योजना की घोषणा के बाद आज प्रदेश सहित रीवा जिले में भी इस योजना की शुरुआत कर दी गई है। मुख्यमंत्री के इसी घोषणा को कार्य रूप देने के लिए रीवा जिला सहित रीवा नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न शिविर लगाए गए हैं, जिसमें आयुर्वेद महाविद्यालय व आंगनबाड़ी सामुदायिक भवन वार्ड नंबर 13 एवं प्रधानमंत्री आवास ललपा में एक साथ शिविर का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न वार्डों में इस तरह के शिविर लगाए गए हैं। हालांकि महिलाओं के आवेदन फॉर्म आसानी से भरे जा रहे हैं, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा समस्या सर्वर की है, जिसके कारण अधिकांश फॉर्म ऑनलाइन न होकर दस्तावेज के रूप में लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की इस घोषणा से निम्न मध्यम आय वर्ग के सभी जाति पंथ वर्ग की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति महीने देने का वादा किया गया है। दरअसल सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ माँ नर्मदा की पूजा अर्चना के बाद वह महाआरती में शामिल हुए, जहाँ उन्होंने मुट्ठी बांधकर 5 संकल्प लिया था, जिसमें प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 23 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए 1,000 रुपये प्रति महीने देने की घोषणा की गई थी। इसके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2007 को मध्य प्रदेश में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार, लोगों में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच लाना था और बेटियों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने की प्रेरणा थी। बताया जा रहा है कि लाडली बहना योजना के बाद 60 वर्ष से अधिक आयु के महिलाओं को भी वृद्धा पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें राशि को बढ़ाने की कवायद भी शुरू की गई है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। मैडम, आज यहाँ रीवा में लाडली बहना योजना की शुरुआत हो गई, क्या चीजें देखने को मिल रही है और क्या समस्याएं आ रही है? समस्याएं, सर्वर बहुत स्लो चल रहा है, जिसके कारण ऑनलाइन आवेदन फिलअप करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन ऑफलाइन भरा जा रहा है लोगों का, है ना। और लोगों में काफ़ी उत्साह है लाडली बहना योजना के लिए। जो इसके दिशा निर्देश थे, उनको नॉर्म्स को क्या महिलाएं पूरा कर पा रही हैं, फिर आप लोगों का जानकारी दीजिए। जी, महिलाएं पूरा कर रही हैं, है ना। कोई जैसे समग्र आईडी में, आधार कार्ड में कुछ कमियाँ हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कुछ भी, तो वो अपना कम्प्लीट करवा रही हैं, और कर्मचारी भी कर रहे हैं अपना काम और महिलाएं भी कर रही हैं अपना काम। ये डीबीटी जैसा बैंक में करने का मतलब नियमित करवाना ही है, डीबीटी जैसे, इस बात के लिए महिलाओं को जागरूक किया गया है? जागरूक किया गया है उसके लिए। कुछ महिलाएं आ रही हैं, उनको अभी पता ही नहीं कि डीबीटी भी करवानी थी बैंक में, बैंक खाते में आधार भी करवाना था, तो इसके लिए क्या उनको अवसर दिए जाएंगे? इसके लिए नगर निगम के जो वार्ड प्रभारी हैं, वार्ड दरोगा हैं, और अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है, और समूह भी हैं कई, है ना, तो उनके द्वारा सबको सूचित किया जा रहा है, सबको इसके बारे में बताया जा रहा है। आज वार्ड का मांग एक कप्पा में यहाँ भरा जा रहा है, तो कितनी महिलाएं अभी तक भर चुकी हैं और कितने लोग यहाँ? अभी 10 महिलाओं का ऑफलाइन फॉर्म फिलअप हो चुका है, ऑनलाइन हो रहा है। और ऑनलाइन में सर्वर बहुत स्लो चल रहा है, अभी शायद एक ही फॉर्म फिलअप हो चुका है, हो पाया है अभी तक। क्या नाम है? किरण सिंह।